नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार पुनः आपका आज के हमारे इस सेशन में। हमने समास के दो पार्ट कंप्लीट कर लिए हैं, आज हम समास का तीसरा पार्ट यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो समास में जो हमने दो पार्ट कंप्लीट करे उसमें सबसे पहले समास की परिभाषा, समास के भेद, अव्ययी भाव समास ये कंप्लीट किया था। दूसरा सेशन आया था वहां पे तत्पुरुष समास के भेद हमने पूरे कंप्लीट कर लिए थे। और उसके बाद में आज जो हमारा सेशन यहाँ पे होने वाला है ये हमारा होगा तीसरा भेद, जो कि है कर्मधारय समास का। ठीक है, तो हम हेडिंग डाल लेते हैं यहाँ पे जिसका नाम है कर्मधारय समास। नाम है इसका कर्मधारय समास, देखते जाइएगा कर्मधारय 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 समास। क्या होता है कर्मधारय समास, क्या इसकी परिभाषा होती है और कैसे इसके उदाहरण बनेंगे, हम इन सभी चीजों के बारे में एक बार डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए कर्मधारय समास की जो परिभाषा है, मैं दो प्रकार से आपको इसकी परिभाषा बता देता हूँ। कर्मधारय समास की दो परिभाषा है। पहली परिभाषा बहुत ध्यान से देखिएगा और लिखते जाना है आपको, लिखाऊंगा भी मैं। क्या होता है कि समास में तो प्रायः दो पद होते हैं, तो कहता है कि जिस समास के, लिखते जाइएगा, जिस समास के, सबसे पहले हम परिभाषा लिख लेते हैं, जिस समास में एक पद विशेषण और दूसरा, एक पद विशेषण और दूसरा पद विशेष होता है, क्या कह रहा है, जिस समास में एक पद विशेषण और दूसरा पद विशेष होता है, अथवा अथवा अगर ये नहीं होगा तो एक और चीज मिलेगी, क्या मिलेगी, अथवा जिस समास में एक पद उपमेय और दूसरा पद उपमान होता है, और दूसरा पद उपमान होता है, वहां कर्मधारय समास होता है, वहां कर्मधारय समास होता है। ये दो परिभाषाएं, या तो एक पद विशेषण होगा या दूसरा पद विशेष होगा, अगर ये नहीं है तो दूसरी चीज एक पद उपमेय और दूसरा पद उपमान हो जाएगा। और इसका विग्रह करने पर एक और चीज ध्यान रखनी है आपको, और इसका विग्रह करने पर, और इसका विग्रह करने पर, अब जैसे ही विग्रह करेंगे तो है जो, या तो ये आएगा के समान, या तो ये आएगा रूपी, या तो ये आएगा सदृश, ये आएगा क्या है जो के समान रूपी या सदृश आदि आदि प्रयोग किए जाते हैं, प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है सर, ये हो गई परिभाषा। अब दो जो ये चीजें आई हैं, इन दोनों चीजों को यहां पे हमें समझना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। कैसे, सबसे पहली चीज कहता है कि जिस समास में एक पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य होता है, यह है एक पद विशेषण और दूसरा पद यहां पर क्या है, विशेष्य है। मतलब क्या करेगा, विशेषण मतलब क्या होता है, संज्ञा या सर्वनाम की जो विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं, और जो स्वयं संज्ञा या सर्वनाम शब्द होते हैं उन्हें विशेष्य कहा जाता है। ठीक है, यह विशेषण और विशेष्य है। और उपमेय उपमान में भी यही होता है कि उपमेय मतलब क्या होता है कि उपमेय जो चीज उपस्थित होती है आपके सामने वो उपमेय कहलाती है ना, यानी कि जिसकी, जिससे तुलना की जाती, जिसकी तुलना की जाती है वो उपमेय है, और जिससे तुलना की जाती है जो अनुपस्थित होता है वो क्या कहलाता है, उपमान कहलाता है। तो ऐसे ये एक उपमेय है और ये हमारा एक क्या कहलाता है, उपमान कहलाता है। ये दो अलग अलग चीजें हैं, उपमेय मतलब जिसकी तुलना की जाए और उपमान मतलब जिससे तुलना की जाए। उपमेय हमेशा सामने उपस्थित होता है और उपमान हमेशा क्या होता है, अनुपस्थित होता है। तो ये इसकी परिभाषा हो गई और इसके हम यहाँ पर उदाहरण लिख लेंगे। तो चलिए जल्दी से हम इसके उदाहरण भी लिख लेते हैं, कर्मधारय समास के उदाहरण यहाँ पर लिखे जाएंगे। सबसे पहले नील कमल,
नीला है जो कमल, पीतांबर, पीत है जो अंबर। अच्छा एक चीज और है, इनके उदाहरण बहुव्रीहि समास में भी जाते हैं, वो मैं बताऊंगा कि कैसे, है ना। अब अगर कहा जाए कि जैसा लिखा है नीला है जो कमल, तो ये तो कर्मधारय का ही होगा, लेकिन लिखा है पीतांबर, पीले हैं वस्त्र जिसके, अर्थात किसके वस्त्र पीले होते हैं, विष्णु भगवान। तो अगर ऑप्शन में बहुव्रीहि समास है तो पीतांबर बहुव्रीहि में भी जाता है, ध्यान रखना पीतांबर किस में भी जाता है, बहुव्रीहि में भी जाता है अगर ऑप्शन होगा तो। अगर ऑप्शन में बहुव्रीहि नहीं है तो ये केवल कर्मधारय में जाएगा, ठीक है, क्योंकि विशेषण और विशेष है। गुरुदेव, गुरु रूपी देव, मतलब गुरु के रूप में कौन है, देव है। भाल मानस, भाला है जो मानस, लौह पुरुष, लोहे के समान, शक्तिशाली पुरुष, ठीक है। ये हो जाएगा कर्मधारय समास के उदाहरण। और भी उदाहरण अगर आपको चाहिए तो मैं कर्मधारय समास के और भी उदाहरण आप लोगों को दे देता हूं, ठीक है, नोट डाउन कर लेना आप लोग, ये आपके बहुत काम आने वाले हैं, कर्मधारय समास के उदाहरण लिख लीजिएगा, है ना, बहुत काम आएंगे ये सारे उदाहरण अपने, लिख लो। काली मिर्च, क्या बनेगा विग्रह, काली है जो मिर्च, ठीक है। परमेश्वर, परम है जो ईश्वर। अब एक चीज और बता दूं, लौह पुरुष जो लिखा है ना, लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को भी कहा जाता है, तो ये बहुव्रीहि समास का उदाहरण भी बन सकता है, ठीक है। तो यहां पे अगर ऑप्शन में बहुव्रीहि है तो फिर ये बहुव्रीहि के साथ में जाएगा, अन्यथा ये केवल कर्मधारय का उदाहरण कहलाएगा। अगर ऑप्शन में कर्मधारय और बहुव्रीहि दोनों है तो फिर ये हमारे बहुव्रीहि में जाएंगे, और अगर बहुव्रीहि नहीं है तो फिर कर्मधारय में जाएगा। इसलिए हमने यहां पर एक एक और लिख दिया, मतलब बगल में, है ना। महर्षि, महान है जो ऋषि, महर्षि क्या बनेगा, महान है जो ऋषि। ये हो गए हमारे सारे परिभाषाएं, ठीक है। कर्मधारय समास हमारा यहां समाप्त होता है, कर्मधारय के बाद में हम आगे पहुंचेंगे तो द्विगु समास के पास आएंगे। कौन सा आएगा अगला जो हमारा समास आ जाएगा, ये अगले नंबर का नंबर 4 का आएगा द्विगु समास। हेडिंग डालते हैं, जल्दी से हेडिंग डाल लीजिएगा, द्विगु समास। परिभाषा, जिस समास का प्रथम पद संख्यावाचक समूह के रूप में हो, वह द्विगु समास होता है। देखिए क्या परिभाषा बोली है मैंने यहां पर, द्विगु समास की देखते जाना। द्विगु समास की सिंपल परिभाषा है कि जिस समास का प्रथम पद क्या होगा, संख्यावाचक होगा, और साथ ही साथ में वो समूह के रूप में भी होना चाहिए। संख्यावाचक तो है लेकिन साथ ही साथ वो किसके रूप में है, समूह के रूप में है, ठीक है। अकेला नहीं होनी चाहिए, संख्या अकेली नहीं होनी चाहिए, वो संख्या समूह के रूप में, तो वो द्विगु समास कहलाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, उदाहरण लिखते हैं द्विगु समास के उदाहरण।
चलो सर उदाहरण देखते हैं, द्विगु समास के उदाहरण क्या है। पंचवटी क्या हो जाएगा इसका विग्रह, पांच वट वृक्षों का समूह माने बरगद का वृक्ष। चौराहा चार राहों का समूह, पंचतत्व पांच तत्वों का समूह, त्रिवेणी तीन नदियों का संगम, तीन नदियों का संगम। अब देखो त्रिवेणी केवल और केवल एक जगह है, और वो कहां पे तीन नदियों का संगम, किसे गंगा यमुना सरस्वती कहा जाता है, जो कि प्रयागराज में आता है। ठीक है, तो ये भी हमारा बहुव्रीहि में जा सकता है अगर किसी एक के लिए, है ना। क्या होता है बहुव्रीहि समास की परिभाषा, कि ऐसे उदाहरण या देवताओं मनुष्यों के नाम जो केवल किसी एक के लिए रूढ़ हो जाते हैं वो बहुव्रीहि समास में जाते हैं। तो त्रिवेणी केवल एक स्थान को कहा जाएगा, किसको कहा जाएगा, प्रयागराज को कहा जाएगा। इसलिए त्रिवेणी द्विगु समास में तो है, लेकिन अगर ऑप्शन में बहुव्रीहि समास है तो फिर ये उदाहरण हमारा बहुव्रीहि समास का जाएगा। ठीक है, जैसे लिखा है दोपहर, तो दोपहर क्या बनेगा, दोपहरों का समूह, दोपहरों का समूह। ठीक है, जैसे लिखा है पंचतंत्र, पंचतंत्र, तो पंचतंत्र क्या बनेगा, पांच तंत्रों का समूह, पांच तंत्रों का समूह, है ना। तो ये हो जाएगा यहां पे हमारे किसके उदाहरण, द्विगु समास के। एक चीज और ध्यान रखना है कि कभी भी यहां पर संख्याएं सीधी सीधी नहीं आएंगी, कि अगर 36 लिखा है तो आ जाए, 34 लिखा है तो इसमें आ जाए, नहीं, संख्या समूह के रूप में होनी चाहिए। अगर 34 लिखा है तो कहां जाएगा, तो वो द्वंद्व में जाएगा, 4 और 30, 36 लिखा है तो 6 और 30, 42 लिखा है तो 2 और 40, 72 लिखा है तो 2 और 70। मतलब कि सीधी सीधी संख्या द्विगु समास में नहीं जाती, संख्या अगर समूह के रूप में होगी तभी वो हमारी द्विगु समास के उदाहरण कहलाएगी, अन्यथा नहीं है। ठीक है, ये हो गया हमारा यहाँ से द्विगु समास कंप्लीट। अब द्विगु के बाद में हम आगे बढ़ जाते हैं, तो अगला जो हमारा यहाँ पे समास आता है ये समास कहलाएगा कौन सा, नंबर 5 द्वंद्व समास। कौन सा आएगा सर, तो ये कहलाएगा हमारा द्वंद्व समास। द्वंद्व समास के भेद वगैरह हम सब कुछ यहाँ पर देखने वाले हैं। ठीक है, चलिए द्वंद्व समास के सारे भेद और सारी चीजें हम देखेंगे। नंबर 5 द्वंद्व समास, देखते जाना सर द्वंद्व समास का मतलब क्या होता है, द्वंद्व समास की परिभाषा क्या है। द्वंद्व समास की जो परिभाषा बनेगी वो ये बनेगी कि जिस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं। क्या परिभाषा है, जिस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं जिस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं और उनका विग्रह करने पर जब उनका विग्रह करेंगे ना तो क्या आएगा, और एवं तथा वा या इत्यादि आते हैं, वहां द्वंद्व समास होता है। सिंपल परिभाषा है, इसके दोनों ही पद प्रधान होंगे पहली बात। दूसरी बात यह कही जाती है कि जब इनका विग्रह किया जाएगा, जब भी हम इनका विग्रह करेंगे तो विग्रह करने पर या तो और शब्द आएगा, एवं शब्द आएगा, अथवा आएगा, या आएगा, वा आएगा, इस प्रकार के शब्दों का यहां पर प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, तो चलो अब हम यहां पर इसके उदाहरण भी देख लेते हैं, कौन से इसके क्या उदाहरण बनने वाले हैं। ठीक है, तो उदाहरण देखने से पहले एक बड़ी चीज इंपॉर्टेंट यहां पे, द्वंद्व के भेद क्या है, द्वंद समास के भेद। तो देखिए द्वंद समास के कुल 3 भेद हैं।
सबसे पहला आता है इतरेतर द्वंद, फिर आता है वैकल्पिक द्वंद, फिर आता है समाहार द्वंद समास। ये कुल तीन भेद यहां पर हमें पढ़ने हैं, नंबर एक, नंबर दो और ये आता है नंबर तीन। ठीक है, इस प्रकार से हमें यहां पर इसके कुल तीन भेद पढ़ने हैं, यही तीनों भेद को हम डिटेल से अब सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमारे सामने आएगा इतरेतर द्वंद समास आ जाएगा। नंबर एक क्या आएगा, सबसे पहला नंबर आ जाएगा इतरेतर द्वंद समास। ठीक है, ये है सर इतरेतर द्वंद समास। क्या परिभाषा बनेगी, इतरेतर द्वंद समास कहता है कि दो एक जैसे पदों को जोड़ा जाता है। कैसे, एक जैसे, जैसे कहा जाए राम राम लक्ष्मण सीता, तो राम लक्ष्मण और सीता, पेन पेंसिल किताब, तो पेन पेंसिल और किताब, जब एक जैसे शब्दों को जोड़ा जाएगा तो वो इतरेतर द्वंद समास में चला जाता है। ठीक है, परिभाषा है इसकी, जैसे अगर हम बात करते हैं इतरेतर द्वंद समास के अंतर्गत, कुछ अच्छी सी परिभाषा इसमें लिखा देता हूं, बाकी समझने के लिए मैंने आपको समझा दिया है ना। परिभाषा लिखने के लिए बिल्कुल कभी नहीं आती है, कभी भी आपको ऐसा नहीं आएगा कि इतरेतर द्वंद समास या वैकल्पिक द्वंद समास की परिभाषा बताइए, ये कभी भी आपके लिए नहीं आएगा, है ना। सीधा सीधा यहां पर जो आपसे पूछा जाएगा वो केवल और केवल क्या पूछा जाएगा, उदाहरण पूछा जाएगा कि यह किसका उदाहरण है, है ना। चलिए परिभाषा है, जिस द्वंद्व समास में अलग अलग पद, कैसे पद हैं ये, अलग अलग पद अपने वचन आदि से मुक्त होकर, है ना, किसी भी वचन में हो, एक वचन बहुवचन किसी से, है ना, तो वचन आदि से मुक्त होकर क्रिया के साथ जुड़ जाएं, इसके साथ क्रिया के साथ जुड़ जाएं, तो वहां पर इतरेतर द्वंद समास होता है। ठीक है, ये लिख डालिए जल्दी से इतरेतर द्वंद समास की परिभाषा, लिखिए लिखिए जल्दी से इतरेतर द्वंद समास की परिभाषा लिख लीजिए आप। और इनका विग्रह करने पर और एवं तथा वा, देखिए कौन कौन से शब्द आ रहे हैं, इनका विग्रह करने पर और एवं तथा वा इत्यादि का प्रयोग किया जाता है, ध्यान देना, इत्यादि का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ये हो गया साहब हमारा इतरेतर द्वंद समास। तो अब इतरेतर द्वंद समास में भी हमारे यहां पर उदाहरण की बात आती है, जैसे धन दौलत, विग्रह क्या बनेगा, धन और दौलत, ये इसका विग्रह है। इसी प्रकार से
धनी मनी, धनी मनी आते हैं ना, धनी और मनी, ठीक है। फिर और धूप छांव क्या बनेगा, धूप और छांव मान लीजिए आ जाए 36, क्या बनेगा 6 और 30, लिखा है 59, नौ और 60, ऐसे ये उदाहरण विग्रह में बनाए जाएंगे। खट्टा मीठा, खट्टा और मीठा, ये हो गया हमारा भेद सबसे पहला इतरेतर द्वंद्व समास का, ये बना लीजिए आप, ठीक है। इतरेतर द्वंद्व समास का भेद यहां से हमारा कंप्लीट हुआ, है ना। आप इतरेतर के बाद में हम चलेंगे तो अगला जो हमारा आएगा वो आ जाएगा वैकल्पिक द्वंद्व समास, है ना। तो हम चलेंगे वैकल्पिक द्वंद्व समास के साथ में, हेडिंग डाल दीजिए जल्दी से, वैकल्पिक द्वंद्व समास। परिभाषा लिखनी है हमें सेकंड नंबर पे वैकल्पिक द्वंद्व समास की। देखिए वैकल्पिक द्वंद्व समास की परिभाषा बनेगी, लिखिएगा, जिस द्वंद्व समास में परस्पर, परस्पर मतलब आपस में, विरोधी शब्दों का मेल होता है, परस्पर विरोधी शब्दों का मेल होता है, और इनका विग्रह करने पर, और जब हम इनका विग्रह करते हैं और इनका विग्रह करने पर या अथवा, मतलब दो पदों को अलग अलग करने के लिए या अथवा शब्दों का प्रयोग किया जाता है, वहां वैकल्पिक द्वंद्व समास होता है, ठीक है सर। यह हो गया हमारा वैकल्पिक द्वंद्व समास। सिंपल परिभाषा हमने यहां पर देखी है, परस्पर विरोधी शब्द आएंगे और जब उनका विग्रह करेंगे तो उन दोनों शब्दों के बीच में या शब्द अथवा शब्द, इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया जाएगा, और हम अब इसके उदाहरण लिखने वाले हैं। सो इसके उदाहरण लिख लेते हैं जल्दी से, एक दो क्या बनेगा, एक या दो, या तो एक या तो दो, धर्म धर्म क्या बनेगा, धर्म या अधर्म, घट बढ़, घट या बढ़, शीतोष्ण, शीत या उष्ण, ठीक है सर, ऐसे बनेंगे। कर्तव्या, कर्तव्या, कर्तव्य, इसका बनेगा कर्तव्य, कर्तव्य या अकर्तव्य, या अकर्तव्य, ये बनेगा। फिर है मारपीट, इसका बनेगा मार या पीट। फिर है हानि लाभ,
इसका बनेगा हानि या लाभ। फिर है पाप पुण्य, इसका बनेगा पाप या पुण्य। ये हो जाएगा सर कंप्लीट हमारा यहां पर वैकल्पिक द्वंद समास। अब वैकल्पिक द्वंद समास के बाद में हमारा आता है समाहार द्वंद समास। ठीक है सर, कौन सा आ जाएगा? समाहार द्वंद समास आ जाएगा थर्ड नंबर पे। तो हेडिंग डाल लेते हैं हम यहां पर तीसरा नंबर, जिसका नाम है समाहार द्वंद समास। देखते जाइए समाहार द्वंद समास की अब हम परिभाषा देख लेते हैं। समाहार द्वंद समास की परिभाषा क्या है? तो लिखिएगा समाहार द्वंद समास जिस द्वंद समास से, लिखते जाना साथ ही साथ है ना, जिस द्वंद्व समास से उसके पदों के अर्थ, उसके पदों के अर्थ और अर्थ के सिवा उसी प्रकार का, अर्थ के सिवा उसी प्रकार का और भी अर्थ सूचित हो, उसी प्रकार का और भी अर्थ सूचित हो। देखिए क्या है, जिस द्वंद समास में उसके पदों के अर्थ, उसके पदों का तो अर्थ निकलेगा, और अर्थ के अलावा उसी प्रकार के और भी अर्थ सूचित हो, उसी प्रकार के और भी अर्थ सूचित हो, वहां समाहार द्वंद समास होता है। ठीक है, उसी प्रकार के और भी अर्थ निकलने का ज्ञान हो, बोध हो या सूचित हो, वहां पर समाहार द्वंद समास होता है। अब हम इसके उदाहरण देख लेते हैं। जैसे इसके उदाहरण क्या बनेंगे देखिएगा, रुपया पैसा, इसका विग्रह होगा रुपया पैसा आदि, धन दौलत, धन दौलत आदि, झाड़ फूंक, इसका बनेगा झाड़ फूंक आदि, बहू बेटी, बहू बेटी आदि, कहा सुनी, कहा सुनी आदि, कपड़े लत्ते, इसका बनेगा कपड़े लत्ते आदि, है ना। उसी प्रकार के, उसी से सूचक, लत्ता जैसा कोई शब्द होता नहीं है पर कपड़े से ही संबंधित है, इसलिए यहां पर क्या बना हमारा ये समा हार द्वंद समास बना, रुपया पैसा, है ना। तो कोई पैसा लेके आजकल नहीं जाता, पर रुपये जैसी ही कोई चीज है ऐसा कहा गया, तो अपना जो कीमती सामान हो रख लेना। ठीक है, तो उसी से संबंधित अगर कोई अन्य अर्थ सूचित होता है तो वहां पर समाहार द्वंद समास हो जाता है। ये कंप्लीट हुआ, यहां से हमारा द्वंद समास भी समाप्त हुआ, मतलब हमने यहां पर समास के पांच भेद कंप्लीट कर लिए हैं। अब हमारा छठवां भेद आएगा जिसका नाम है बहुव्रीही समास। क्या नाम है इसका? बहुव्रीही समास। अब देखो बहुव्रीही समास के बारे में हम देख ले, ठीक है, हेडिंग डाल लीजिएगा सबसे पहले। अब यहां पर हमारा आ जाएगा कौन सा अगला जो समास आने वाला है, वो आने वाला है बहुव्रीही समास। चलिए परिभाषा है बहुव्रीही समास की, जिस समास में दोनों पद प्रधान ना हो
दोनों पद प्रधान ना हो बल्कि कोई तीसरा पद प्रधान होता है, वहां बहुव्रीहि समास होता है। क्या बोल रहा है कि दोनों पद प्रधान नहीं होंगे बल्कि कोई तीसरा पद प्रधान होता है, ना तो प्रथम पद प्रधान ना तो द्वितीय पद प्रधान बल्कि कोई तीसरा पद प्रधान है, तो वहां पर बहुव्रीहि समास है। अब इसके चार भेद हैं। सबसे पहला आता है सबसे पहले नंबर पे जिसका नाम है समानाधिकरण। बहुव्रीहि समास फिर है व्यधिकरण, बहुव्रीहि समास फिर है व्यतिहार, बहुव्रीहि समास, और अगले नंबर पे आता है जिसका नाम है तुल्य योग, बहुव्रीहि समास। ठीक है, तो इस तरीके से यहां पर एक दो तीन और ये चार, कुल चार भेद आपको पढ़ने हैं। सबसे पहला जो भेद हमारा आता है वो हो जाता है कौन सा, समानाधिकरण। ठीक है, हेडिंग डालेंगे हम, पढ़ेंगे सबसे पहले समानाधिकरण बहुव्रीहि समास के बारे में। हेडिंग डाल लीजिए और स्टार्ट कर लेते हैं। समानाधिकरण बहुव्रीहि समास क्या होता है? समानाधिकरण बहुव्रीहि समास लिखिए परिभाषा। इस प्रकार के समास में दोनों पदों का समान संबंध तीसरे पद से होता है। क्या कहता है कि दोनों पदों का जो समान संबंध है वह तीसरे पद से होता है। ठीक है, और अधिकांशतः इसमें ध्यान रखना ऐसे उदाहरण आएंगे जो देवता या मनुष्यों के शरीर के साथ में जुड़ी हुई कोई भी चीजें हैं वो समानाधिकरण में है, और शरीर के अलावा अलग से धारण की गई चीजें व्यधिकरण में आती हैं। जैसे चक्र पाणी, तो चक्र शरीर का हिस्सा नहीं है, वीणा पाणी वीणा शरीर का हिस्सा नहीं है, तो वो वीणा पाणी किसमें जाएगा, व्यधिकरण में जाएगा। तो एक चीज समझ लेना, जो शरीर से जुड़ी हुई चीजें हैं वो आएंगी समानाधिकरण में, और जो शरीर के अलावा चीजें हैं अलग से धारण की गई बाहर से लाई गई तो वो जाएंगी व्यधिकरण में। ठीक है, तो इस प्रकार के समास में दोनों पदों का संबंध क्या होता है, समान संबंध तीसरे पद से होता है। ठीक है, और अब हम इसके उदाहरण देखने वाले हैं, इसके उदाहरण देख लेते हैं, इसके उदाहरण हमारे क्या हो जाएंगे। ठीक है, उदाहरण है दशानन, क्या बनेगा? अब देखो आनन मतलब सिर से है, दस है आनन, आनन मतलब क्या होता है, सिर, जिसके, तो दस सिर किसके होते हैं, अर्थात रावण, है ना, किसी एक के लिए क्या हो गया, रूढ़ हो गया। तो दस सिर वाला केवल रावण है और कोई नहीं होता है ना। तो क्या कह रहा है कि दस है सिर जिसके, तो सिर क्या है, शरीर का हिस्सा है, अलग से धारण नहीं किया गया, तो ये समानाधिकरण में आएगा। इसी प्रकार से अगर कहा जाए चतुर्भुज, चतुर्भुज, चतुर्भुज क्या बनेगा, चार है भुजाएं जिसकी, चार है भुजाएं जिसकी, भुजाएं शरीर का हिस्सा है। ठीक है, अर्थात किसकी चार भुजाएं होती हैं, बताओ जरा, चार हैं भुजाएं जिसकी, अर्थात चार भुज वाला, चार भुजाओं वाला। ठीक है, इसी प्रकार से आ जाता है लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, क्या हो जाएगा, लंबा है उदर जिसका, लंबा है उदर जिसका। ठीक है, अर्थात, तो गणेश जी आ जाएंगे, तो अर्थात लिख लेना यहां पे, गणेश जी हो जाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हमारे जो उदाहरण है
समानाधिकरण के उदाहरण कहलाएंगे। किसके कहलाएंगे सर? ये हमारे सारे समानाधिकरण के उदाहरण बन जाएंगे। अब हम बढ़ेंगे आगे, तो अगला आएगा समानाधिकरण के बाद कौन सा? व्यधिकरण बहुव्रीही समास। सेकंड नंबर पे पहुंचते हैं जिसका नाम है व्यधिकरण। व्यधिकरण 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 बहुव्रीही समास। व्यधिकरण बहुव्रीही समास क्या कहता है? इस प्रकार के समास में दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद के संबंध में विशेषता बताते हैं। दोनों पद मिल जाते हैं और किसी तीसरे पद के संबंध में विशेषता बताते हैं, वहां व्यधिकरण बहुव्रीही समास होता है। क्या है? दो पद मिलते हैं और किसी तीसरे पद के बारे में क्या करते हैं? विशेषता बताते हैं। ठीक है, चलो अब हम इसकी भी उदाहरण देख लेते हैं। व्यधिकरण बहुव्रीही समास के उदाहरण क्या बनेंगे सर? तो इसके उदाहरण बनेंगे देशभक्त। क्या बनेंगे? ये मत लिखो इसमें, है ना। व्यधिकरण के और कुछ उदाहरण हम देख लेते हैं, ये उदाहरण नहीं लिखते हैं। अच्छे उदाहरण है मेरे पास में, मैं वो निकाल लेता हूं। चक्र पाणी, चक्र है पानी में जिसके। वीणा पाणी, वीणा है पानी में जिसके। चक्रधर, चक्र को धारण करने वाला। ये सब उदाहरण इसके अंतर्गत समाहित हो जाएंगे। ठीक है, ये लिख लीजिएगा आप किसके हैं? व्यधिकरण बहुव्रीही समास के ये उदाहरण है, ये हमें यहीं पर लिखना है। ठीक है, मोदक प्रिय, मोदक है प्रिय जिसको, अर्थात कौन? गणेश जी। ठीक है, तो ये कंप्लीट हो जाता है व्यधिकरण। व्यधिकरण के बाद में हम आगे चलेंगे और आएगा नंबर 3 जिसका नाम है व्यतिहार बहुव्रीही समास। क्या है? व्यतिहार बहुव्रीही समास नाम है इसका, व्यतिहार बहुव्रीही समास। तो अब देखो व्यतिहार बहुव्रीही समास के अंतर्गत क्या क्या आता है, कैसे आता है। तो व्यतिहार का मतलब होता है थोड़ा सा लड़ाई धड़ाई, है ना। तो इसके अंतर्गत परिभाषा लिख लेते हैं व्यतिहार बहुव्रीही समास की, कि जिस बहुव्रीही समास में, जिस बहुव्रीही समास में घात प्रतिघात सूचक शब्दों का प्रयोग किया जाता है, घात प्रतिघात सूचक शब्दों का प्रयोग किया जाता है, वहां व्यतिहार बहुव्रीही समास होता है। उदाहरण, व्यतिहार बहुव्रीही समास के उदाहरण में अगर बात की जाए, जैसे आ जाए लाठा लाठी, लाठा लाठी का विग्रह बनेगा लाठियों से जो झगड़ा हुआ। अब देखो अलग प्रकार का है ना, लाठियों से जो झगड़ा हुआ, देखो बिल्कुल अलग प्रकार का उदाहरण।
फिर है धक्का मुक्की, क्या बनेगा धक्का मुक्की का? धक्कों से जो झगड़ा हुआ, ठीक है। फिर है गाला गाली, इसका विग्रह क्या बनेगा? गालियों से जो झगड़ा हुआ, इससे गालियों से जो झगड़ा हुआ, ठीक है। फिर आ जाएगा, तो ये हमारे व्यतिहार के हैं, उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा। क्या है इसमें? बस केवल और केवल घात प्रतिघात, लाठा लाठी, मारा मारी, धक्का मुक्की, गाला गाली, है ना, लाता लाती, ये सब है लात से जो झगड़ा हुआ, इस प्रकार से बनते जाएंगे। नंबर चार था, नंबर पांच में आ जाइएगा। पांचवा नंबर है तुल्य योग बहुव्रीही समास। पांचवा क्यों? चौथा नंबर है, तीसरा था ना ये, अब चौथा है। नंबर चार तुल्य योग बहुव्रीही समास। अब देखिए तुल्य योग बहुव्रीही समास में एक अलग चीज है, तो इसमें क्या कहता है कि इसका प्रथम पद सहबोधक होता है। लिखिए इस समास का प्रथम पद क्या होता है? सहबोधक होता है, सहबोधक होता है, और इसमें सा उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है। सा उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है, क्या कहा गया? देखो सा उपसर्ग का इसमें प्रयोग किया जाता है, ठीक है। सा उपसर्ग का जब प्रयोग किया जाएगा तो आगे सा शब्द ही जुड़ा मिलेगा आपको, ठीक है। तो अब हम इसके उदाहरण देख लेते हैं, ये हमारा इसका उदाहरण सामने आता है। जैसे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है इसमें? सपरिवार लिखा है, सपरिवार, ठीक है। तो सपरिवार का विग्रह क्या बनेगा? बनाते जाइएगा, है ना, परिवार के साथ है जो, क्या बनेगा? परिवार के साथ है जो, परिवार के साथ है जो, ठीक है। और क्या है लिखा है? स शरीर, तो क्या बनेगा? शरीर के साथ है जो, शरीर के साथ है जो, है ना, इस प्रकार से बनता है। स परिवार, स शरीर, है ना, स शक्त, स बल, स बल, क्या बन जाएगा? स बल। तो सबल में क्या बनेगा? बल के साथ है जो, बल के साथ है जो, ठीक है। तो यहां पर एक चीज आप याद रखना, सा उपसर्ग लगता है। अब कहोगे सर उपसर्ग लगने पर अव्ययीभाव समास हो जाएगा, तो ध्यान रखना उपसर्ग लगने पर अव्ययीभाव समास होगा, लेकिन अगर कहीं सा उपसर्ग लगा है तो वो तुल्य योग बहुव्रीही समास हो जाएगा। ये एक अलग काम है, ये एक अलग चीज है, ठीक है। तो इसको भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। यहां से हमारा जो बहुव्रीही समास की या समास की जो पूरी कहानी थी, समास का जो हमारा पूरा चैप्टर था, वो समाप्त हो गया। अब एक थोड़ी सी लास्ट में इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता देता हूं, एक छोटा सा पॉइंट है लास्ट का, वो मैं आपको यहां पर डिस्कस कर देता हूं, ताकि आपको अगर कभी उससे संबंधित प्रश्न पूछे तो आपसे गलतियां ना होने पाए, ठीक है। क्योंकि हो सकता है कि कभी उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाएं, तो वो क्या है, किस प्रकार के बनेंगे उससे संबंधित प्रश्न? तो उसमें ये बनेंगे कि पद के आधार पर, पदों की प्रधानता के आधार पर, किसके आधार पर? पदों की प्रधानता, ठीक है। तो पदों की प्रधानता के आधार पर अब ये भी देख लिया जाए, ठीक है। अब किस में प्रथम पद प्रधान है, है ना, प्रथम पद, है ना, प्रथम पद प्रधान, प्रथम पद प्रधान, है ना, प्रथम पद प्रधान और द्वितीय पद प्रधान, कौन सा? द्वितीय पद प्रधान, ठीक है। अब किस में प्रथम पद प्रधान है और किस में द्वितीय पद प्रधान है, ठीक है। तो अब हम ये भी देख लेते हैं कि साहब इसी में प्रथम पद प्रधान है और इसमें कौन सा पद प्रधान है? द्वितीय पद प्रधान है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, इसको भी एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं आपके साथ में। चलिए तो देखते जाइएगा क्या कहता है। सबसे पहला ये आता है कि जिसमें पूर्व पद प्रधान है तो प्रथम पद प्रधान है, ये कौन सा है? अव्ययी भाव। कौन सा है? अव्ययी भाव है जिसमें प्रथम पद प्रधान है, ठीक है। फिर द्वितीय पद प्रधान है, इसमें आएगा कौन सा? तो द्वितीय पद प्रधान में तत्पुरुष समास होता है। कौन सा होता है? तत्पुरुष समास होता है, ठीक है। तत्पुरुष के अलावा कर्मधारय समास में भी द्वितीय पद ही प्रधान होता है, कर्मधारय के अलावा द्विगु समास में भी द्वितीय पद ही प्रधान होता है। ये सारी कहानी हो गई समाप्त, ठीक है, ठीक है। प्रथम पद इसमें प्रधान, किसमें? अव्ययीभाव समास में, और द्वितीय पद
तत्पुरुष कर्मधारय और द्विगु में प्रधान। अब एक चीज और नोट लगा के हम लिखते हैं, नोट लगा के क्या लिखते हैं द्वंद्व में दोनों पद प्रधान। द्वंद्व में कौन से पद प्रधान? दोनों पद प्रधान। कितने समास हो गए? अब देखो, 1, 2, 3, 4 और 1, 5। एक और नोट लगा के हमने लिखा, क्या लिखा एक और नोट लगा के, कि बहुव्रीहि में तीसरा पद प्रधान होता है, बहुव्रीहि में दोनों पद अप्रधान, बहुव्रीहि में दोनों पद अप्रधान, मतलब दोनों ही पद प्रधान नहीं होते हैं। तो ये पदों की प्रधानता के आधार पर एक अलग कहानी थी जो हमने यहां पर डिस्कस करी, कंप्लीट करी। अगर इससे संबंधित प्रश्न आते तो वो भी आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो फिलहाल अभी के लिए इस सेशन को, इस क्लास को हम यहीं समाप्त करते, समाज का टॉपिक समाप्त हुआ, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद जय भारत, थैंक यू।